गुड आफ्टरनून दोस्तों और प्यारे किसान साथियों, मैं मंजर स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली फ्रेश मार्केट में। 24 तारीख दिन बुधवार, आजादपुर मंडी दोस्तों अभी मौजूद हूं आजादपुर प्याज मंडी में। लाइव तस्वीर में देखेंगे आज क्या कुछ बाजार है, किस तरह का माहौल है दिल्ली में। जो है दोस्तों अभी दो दिन से जो है लगातार बारिश हो रहा है, आज तीसरा दिन है बारिश का, लेकिन आज दोपहर में नहीं दोस्तों, आज दिन में सुबह में जो है बारिश हुआ यहाँ पे दिल्ली में और अच्छा खासा हुआ जी, और रात को भी हुआ था। देखते हैं उससे जो है बरसात से क्या कुछ माहौल बन रहा है, ग्राहकी में कितना पावर देखने को मिला है, आज कितना गाड़ी बिक सकता है, ताज़ा गाड़ी कितना आया, बैलेंस कितना अभी इस समय रुक रहा है जी, और इस समय जो मॉनसून के महीने में मॉनसून के टाइम में प्याज का किस तरह का क्वालिटी आ रहा है, अगर दिल्ली में बारिश हो रहा है तो प्याज पर कितना असर होगा, और यदि अगर पीछे प्रोडक्शन मंडी साइड में जो है बारिश हो रहा है तो उधर के बारिश से कितना असर पड़ सकता है प्याज में, ये सारा जानकारी देंगे जी। और इस समय जो भाव चल रहा है जी, वो भाव कितने दिन तक बना हुआ रहेगा और आगे चल करके जो है किस तरह का भाव देखने को मिलेगा, कितने दिन बाद जो है तेजी देखने को मिलेगा, या फिर किसानों को इस समय घबराना चाहिए या नहीं घबराना चाहिए, किस रफ्तार में माल निकालना चाहिए, ये सारा जानकारी देंगे जी। अभी मौजूद हूँ सुदर्शन ट्रेडिंग कंपनी में, सर के पास जो फिलहाल अभी एक ढेर रखा हुआ है जी यहाँ पे, उसका क्वालिटी देख सकते हैं आप कुछ इस तरह का जी। हाँ जी सर जी, नमस्कार जी। सर जी आज का माहौल कैसा है जी, अभी तो लगातार से जब से सावन लगा है तो बारिश एकदम झमाझम हो रहा है दिल्ली में, और फिलहाल तो दो दिन से दोपहर में देखने को मिला था लेकिन आज सुबह में बारिश हुआ है, तो उससे मार्केट में क्या प्रभाव पड़ा है सर? बिक्री पे थोड़ा प्रभाव पड़ जाता है। अच्छा, जब सुबह सुबह बारिश होती है जी तो बिक्री पे थोड़ा प्रभाव पड़ता है। अच्छा, अगर 2 बजे के बाद बारिश होती है तो बिक्री पे प्रभाव नहीं पड़ता है। अच्छा, हाँ। तो आज कितनी गाड़ी पहुंची है सर, ताजा कितना है, कितना बैलेंस माल है? 36 गाड़ी ताजी है, 28 गाड़ी कल की खड़ी है, अच्छा 64 गाड़ी टोटल, और 35-35 गाड़ी के आसपास नीचे है, तो वही 95 गाड़ी के आसपास माल है। ओके, मतलब अब अंडर 100 हो गया है सर। हाँ, फ्रेश अराइवल भी जो है पहले से काफी कंट्रोल में हो गया। हाँ, कम है। अच्छा जी, तो सर जी क्या लगता है अब जिस हिसाब से मतलब माल भेज रहे हैं किसान और हमारे व्यापारी भाई लोग मंडी में, तो उसे आगे का माहौल कैसा नजर आ रहा है सर? क्योंकि इस समय जो है हर कोई मतलब यही सोच रहा है कि जो हमारा प्याज कितने से कितना तक कितना भाग सकता है, और सबको ही जो है अभी अच्छा माल को जो है संभाल के रखा है सर, है ना, तेजी सबको लग रहा है कि जो आगे चल करके जो है अगस्त के बाद तेजी बनेगा और 40 तक भी जा सकता है बाजार, 50 तक भी जा सकता है, सबने अपने अपने मन में अपने हिसाब से मतलब विचारधारा बना करके रखा है तेजी का, तो आपको क्या लगता है सर? देखो इस समय सबसे ज्यादा वही आदमी परेशान है, और स्वाभाविक है वो परेशान रहेगा जिसने स्टॉक किया है जी, सबसे ज्यादा मानसिक तनाव में वही होगा जी जी, क्योंकि सोते भी प्याज, जागते भी प्याज, दिन में भी प्याज, रात में भी प्याज, उसको सिर्फ प्याज ही प्याज दिखाई दे रहा होगा। ऑटोमेटिकली हो भी जाता है जब हाँ, कोई अगला बंदा लाखों लाखों रुपए फंसा करके रखता है एक चीज में। हाँ, और जब उनको लगता है कि जो मार्केट आने वाला टाइम कैसा होगा, फ्लैचुएट होगा या कैसा होगा, क्योंकि चारों तरफ से अभी खबर निकल करके आ रही है, इस समय ऐसा क्रिटिकल माहौल हो गया है, जो अफगानिस्तान का भी डर, साउथ के फसल का भी डर, जो साउथ में फसल कैसा होगा, खराब होगा अच्छा होगा, या रेट तेज होगा तो अफगानिस्तान से आएगा कि नहीं आएगा, मतलब अभी चाहे किसान भाई ने स्टॉक किया हुआ हो या फिर व्यापारी ने, मतलब चारों तरफ का डर सता रहा है जी उनको, जो लागत लगाता है जी परेशान भी वही रहता है जी, और जिसके पास कुछ है ही नहीं है वो तो सिर्फ बहस कर सकता है जी, तो इसलिए जिन्होंने भी स्टार्ट किया है उनको तो टेंशन होगा और स्वाभाविक है टेंशन होता है जी जी, इतनी मोटी लागत, इतनी मोटी पूंजी जो भी लगाएगा जी वो थोड़ा सा डिस्टर्ब रहता है। बिल्कुल सर, लेकिन जहां तक मेरा विचार है जो मार्केट चल रही है ये मार्केट चलती रहेगी, कोई ज्यादा उथल पुथल मार्केट में नहीं होगा, ज्यादा परेशान भी नहीं होना चाहिए, दूसरी चीज थोड़ा बहुत ईश्वर के ऊपर भी छोड़ देना चाहिए, क्योंकि अगर उनको देना होगा तो कहीं ना कहीं से देंगे जी, और अगर लेना होगा तो कहीं ना कहीं से ले लेंगे। सर वो तो कहावत है ही ना, जो भाग्य में लिखा हुआ रहता है तो हाँ, होता ही है, लेकिन एक बात है कि जो सर भाग्य के भरोसे भी लोग इंसान नहीं बैठ सकते। हाँ, लेकिन कर्म प्रधान देश है जी, कर्म तो करना पड़ेगा। बिल्कुल भाई, रिस्क नहीं लोगे
तब तो बेकार है, बैठे रहो। तो उनको जो भी स्टॉक में प्याज रखे हैं, चाहे वो किसान हो जी, चाहे वो व्यापारी हो जी, ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है जी। कुछ भाग्य भी होता है जी, कुछ कर्म भी होते हैं जी। अगर मैंने प्याज रखा हुआ है तो ऐसा नहीं है कि प्याज 20-25 रुपए बिक जाएगा, ऐसा भी नहीं है। जो मार्केट चल रही है हमारे हिसाब से ये मार्केट चलती रहेगी, बढ़िया माल पीछे मंडियों में 25-30 रुपए बिकता रहेगा और यहाँ पे 28 रुपए से लेके 32-33-34 रुपए तक प्याज बिकता ही रहेगा। अगर मान लो सावन में अप डाउन मार्केट करती भी है तो ज्यादा से ज्यादा रुपए 2 रुपए, अच्छा जो मैं बार बार कहता हूँ जी, ज्यादा अप डाउन नहीं होगा कि 4-5 रुपए मंदा हो जाए जी, प्याज 20-25 रुपए पे आ जाए, ऐसा लगता नहीं है जी। अभी सर जी तीसरा सावन लग चुका है जी, है ना, तो अभी तीन दिन में कुछ दिखा सर मार्केट में फ्लक्चुएशन जो मतलब डाउन हुआ हो या असर तो पहले दिन ही दिखाई पड़ गया था। अच्छा, और यही सिलसिला चलेगा? अच्छा, तो अभी अप डाउन नहीं मारेगी मार्केट? अच्छा, जो सिलसिला जो चल रहा है यही चलेगा। ओके, अभी ये 3 दिन में सर जी कितना लगभग मतलब थोड़ा बहुत नीचे हुआ है तो? हाँ, जो 50-55 गाड़ी के आसपास माल बिक रहा था वो 40 गाड़ी के आसपास आ गया है। अच्छा, हाँ, तो सिर्फ जो गाड़ियों का अराइवल था उसी में फर्क पड़ा है, रेटों में कुछ नहीं पड़ा था? नहीं, रेट भी वही है, अराइवल पीछे हफ्ते में भी आई है, उसके पिछले पिछले हफ्ते में, अच्छा तब भी अराइवलें यही आई है जी। न अराइवल पे कोई प्रभाव पड़ा है जी, न मार्केट पे कोई प्रभाव पड़ा है। अच्छा, हाँ पीछे प्रोडक्शन मंडियों में थोड़ी आमदनी जरूर कम है। अच्छा, और वही ऑक्सीजन दे रहा है। ओके, तभी मार्केट यहाँ रुका है। अच्छा, तो सर इस इशारा को क्या समझा जाए, जो आगे जो है मार्केट तेज होगा या फिर कितना तेज होगा? नहीं, अभी तो बहरहाल तेज नहीं होता दिखाई दे रहा है। अच्छा, अभी तेज नहीं जाएगा मार्केट जी, लेकिन जो मार्केट चल रही है मेरे दिमाग से ये मार्केट चलनी चाहिए। अच्छा, उसके बाद सावन के बाद या 15 अगस्त के बाद जो कुछ होगा प्याज में जी, वो भविष्य तय करेगा साउथ का। अच्छा, साउथ कैसे निकलता है कैसे नहीं निकलता है तो अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। अच्छा, अच्छा सर जी, अगर मतलब हर साल की अगर तुलना में बात करें, मतलब हर साल जो है रक्षाबंधन के बाद कितना जंप मारता है मार्केट, कितना जंप मारता है सर हर साल अगर बात करें, अगर 2-3 साल का अगर आंकड़ा निकालें सर? देखो, पिछले साल तो मार्केट जंप मारा था, उसके पिछले पिछले साल मंदा हो गया था। अच्छा, रक्षाबंधन के बाद? अच्छा जी, लोग तेजी में थे जी, मंदा हो गया था। ओके, तो कुल मिला के ये किसी के हाथ में नहीं है जी, भविष्य किसी के हाथ में नहीं है, चाहे वो प्याज का हो चाहे खुद का भविष्य हो जी। अगर सबको यही पता चल जाए, सही बात है, खास करके अगर हम लोगों को पता चल जाए, ट्रेडर्स को पता चल जाए, तब तो हम 2 साल में करोड़पति बन जाएंगे, मैं तो काम ही नहीं करूंगा। बिल्कुल, ये सब कहने वाली बातें होती हैं, किसी कुछ नहीं पता होता है, एक आदमी अनुमान लगाता है और उसी पर दुनिया कायम है जी। एक टेंडेंसी लोग लगाते हैं ऐसा होगा, लेकिन जरूरी नहीं है जो हम सोच रहे हैं या हमारा समाज सोच रहा है वही हो। तो कुल मिला के सब ईश्वर के ऊपर व्यापार है, ईश्वर के ऊपर धंधा है, ईश्वर के ऊपर जिंदगी है, लेकिन एक अनुमान आदमी लगाता है ऐसा होगा। और अभी जो सर जी लोगों ने सोच रखा है, और वैसे भी देखा जाता है कि जो मतलब जब मार्केट में अगर भाव चल रहा होता है 25 का तो लोग अनुमान लगाते हैं 30 का, जब 30 चल रहा होता है 35 का, 35 चल रहा होता है तो 40 का, है ना सर? ये स्वाभाविक बात है कि जो आदमी चाहता है कि जो आज मार्केट में इतना बिका है तो क्या पता कल को जाकर के और भी 4-5 रुपए प्लस हो जाएगा, तो मैं अपना जो है माल रोक दूं या फिर 4 दिन बाद बेचूं या 5 दिन बाद बेचूं, है ना सर? तो क्या लग रहा है कि जो आगे जो है जो लोग सोच रहे हैं जो उनके माइंड में चल रहा है, तो कुछ ऐसा हो सकता है सर, बाजार जा सकता है क्या? क्या बाजार जा सकता है? 40 रुपए 50 रुपए, ये अभी कहना जल्दबाजी होगी भाई साहब। अच्छा अच्छा, ये सब निर्भर करेगा साउथ के फसल के ऊपर, मतलब सारा कुछ है अभी जो है साउथ ही। हाँ, अब अहम प्याज में अहम रोल अदा करेगा साउथ। अब ना हमारे आगे में हाथ में कोई गेम नहीं है जी जी, अगर साउथ साथ दे गया फिर जो मार्केट है इसके ऊपर नहीं जाएगी जी। अगर साउथ माल परमात्मा ना करे 19-20 हो, वहाँ भी किसान है, बिल्कुल भी बच्चे हैं, तब का जो थाली में खुशहाली जाना चाहिए था। हाँ, मान लो 19-20 कोई बात हो जाती है तब प्याज बिक जाएगा। अच्छा, और सर जी अभी जिन लोगों ने अभी कमेंट में आया था कि जो एक भाई के पास 1500 टन माल रखा हुआ है, तो
तो जिनके पास इतने मोटे मोटे मतलब माल रखे हुए हैं, मतलब काफी ज्यादा ज्यादा स्टॉक किया हुआ है, तो उनको इस समय किस हिसाब से माल को निकालना चाहिए जो उनको मतलब हर दर मिल सके? देखो, पहली बात तो सारा माल रोक के नहीं चलना चाहिए। हाँ। अगर इतना ज्यादा माल है उनके पास, हाँ, तो सारा नहीं रोकना चाहिए जी, घबराना भी नहीं चाहिए जी, लेकिन धीरे धीरे हफ्ते में एक दो गाड़ी माल निकालना भी चाहिए जी, सारा मतलब नहीं रोकना चाहिए, महीना बांध ले, मतलब अभी जैसे कि प्याज में एक गाड़ी निकालो जी, क्या दिक्कत है, हफ्ते में दो गाड़ी निकालो जी, ज्यादा माल है हफ्ते में तीन गाड़ी निकालो जी, लेकिन सारा रोक के बैठना ये कोई बुद्धिमानी वाली बात नहीं होगी। धीरे धीरे माल निकालना भी चाहिए, सारा नहीं रोकना चाहिए। बिल्कुल, मान लो मार्केट अप डाउन कर भी जाती है तो आदमी सेफ निकल जाता है, एक एवरेज रेट आ जाता है। हाँ जी, तो सर जी एक बार शॉप नंबर कॉन्टेक्ट नंबर बता दीजिए। उससे पहले सर थोड़ा सा ये जानकारी चाहूंगा कि आयात और निर्यात पे इस समय क्या कुछ अपडेट चल रहा है? देखो, निर्यात तो हो रहा है। अच्छा, बांग्लादेश बॉर्डर शायद कल खुल गया। अच्छा जी, तो कितना गाड़ी गया सर लगभग? अब ये तो हमारे पास रिपोर्ट नहीं है, लेकिन खुल गया है। ओके, खरीदारी भी चल रही है। अच्छा जी, लेकिन आयात अभी नहीं होगा। अच्छा, ना अभी हो रहा है, अभी 15-20 दिन आएगा भी नहीं प्याज। अच्छा, हाँ, इसके लिए बेफिक्र हो। और इस बार तो सर जी मतलब जो है एक्सपोर्ट से निर्यात से कुछ ज्यादा खास फर्क भी नहीं पड़ रहा है जी? नहीं, खर्चे ज्यादा है ना जी। जी, खर्चे ज्यादा है। अभी 0% इस्लाम ड्यूटी गवर्नमेंट करते, देखो सब मैदान में कूद जाएंगे। 40% बहुत होता है, आगे उनका पैसा भी बने जी। जी, माल यहाँ से खरीदना बहादुरी थोड़ी है भाई, जहाँ वो भेज रहे हैं वहाँ भी मार्केट होनी चाहिए। बिल्कुल, वहाँ भी पैसा बनना चाहिए जी, नहीं नुकसान होता है। अच्छा, तो सर जी एक बार शॉप नंबर कॉन्टेक्ट नंबर बता दीजिए। सुदर्शन ट्रेडिंग कंपनी, A1096 नई सब्जी मंडी, आजादपुर दिल्ली। मोबाइल नंबर 9311 1899 74। धन्यवाद सर जी।